हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अगर किसी मुस्लिम महिला की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखा है, इस सिचुएशन में उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी किसको जाती है, उस प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे होगा, इस बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, अगर किसी मुस्लिम महिला की मृत्यु हो जाती है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी है, वसीयत लिखे बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर महिला ने संपत्ति पिता द्वारा अर्जित की है, यानी उस महिला को शादी के बाद प्रॉपर्टी जो है पिता के इधर से मिली है, पिता ने उनको प्रॉपर्टी दी है, तो ऐसे में उनके बच्चों को उस प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी वो जो लीगल हेयर्स है, लीगल वारिस उनके बच्चे हो जाएंगे। अगर इस महिला के अपने बच्चे नहीं हैं, यानी उस महिला को बच्चे ही नहीं हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी किनको हो जाएगी, उनके लीगल हेयर्स कौन हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी के। तो ऐसे में संपत्ति महिला के पिता के अन्य उत्तराधिकारी जो होंगे, जो लीगल वारिस होंगे, उनको मिल जाएगी। और अगर ये संपत्ति पति के जरिए मिली है, अगर पति ने उन पति के जो प्रॉपर्टी है, पति के माँ बाप है, उनके जरिए जो प्रॉपर्टी उस महिला को मिली है, तो संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी, यानी पति के इधर के जो रिश्तेदार है उन लीगल वारिस को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि हर व्यक्ति ने अपने जीवित रहते ही वसीयत लिखना चाहिए, वसीयत लिखना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।